Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how to manage cash flow in crisis situation. हो जाता है ना कई बार business के अंदर cash flow का crisis, कुछ ऐसी situation पैदा हो जाती है कहां पर business के अंदर जहां ना अब money available नहीं है, cash flow available नहीं है और फंड को मैनेजमेंट करनी है। देखिए होता क्या है कि जब बिजनेस बिल्कुल नया है, स्टार्टअप की स्टेज के अंदर है, छोटा साइज है और ओवरऑल इंपैक्ट भी कैश फ्लो का कम होता है, तो उस केस के अंदर क्या किया, मैनेज हो गया। असली प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम तो तब आती है कि अब बिजनेस ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मनी का इनफ्लो आया, टर्नओवर बढ़ गई और बैंक ने आपको बोला कि वाह आप तो एलिजिबल हैं सीसी लिमिट लेने के लिए, आप तो एलिजिबल हैं बहुत सारी फैसिलिटीज बैंक को लेने के लिए, अब ना आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने बिजनेस को। क्या किया, एक बड़ा सा अमाउंट कैश क्रेडिट लिमिट का सैंक्शन करवा लिया, ओवरड्राफ्ट लिमिट का सैंक्शन करवा लिया, 5 करोड़ रुपए की लिमिट सैंक्शन हो गई है। इधर पता लगा कि जिस किराए की फैक्ट्री के अंदर मैं काम करता हूं उससे बेहतर ये होगा कि क्यों ना अपनी एक फैक्ट्री बनाई जाए, ले ली एक नई फैक्ट्री अपनी और वहां पर लैंड बिल्डिंग परचेज करने के लिए बैंक की इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा लगा दिया उस फैक्ट्री के अंदर। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं, मार्केट के इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुए हैं, पहले टर्नओवर ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही थी, अब ये टर्नओवर स्टेबल हुई और थोड़ा सा अगर डिक्लाइन आ गया, अब क्या हो रहा है, डेस्परेट सेल करनी पड़ रही है, अब तो सेल करनी ही पड़ेगी, क्यों, बैंकों का ब्याज है, बैंकों की ईएमआई है, वो कैसे निकलेगा, सैलरी एक अच्छे खासे कोस्ट के ऊपर जा चुकी है, रेंटल वेयर हाउस के या मार्केटिंग ऑफिस के पे करने हैं, अब ना सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बिजनेस तो शुरू किया है बहुत खुशी के साथ में और ग्रो भी कर रहा था, हर किसी बिजनेस को ना एक स्टेज से निकलना पड़ता है जिसको बोलते हैं शेकआउट स्टेज, जहां पर मनी अवेलेबल नहीं है, उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कैसे मैनेज करें इन क्राइसिस सिचुएशन को, और अलग अलग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो मैं ना अब आपको स्पेसिफिकली स्ट्रेट डायरेक्ट वो सॉल्यूशन देने वाला हूं कि भाई किस तरीके से हम मैनेज करने वाले हैं किसे, कैश फ्लो को, उन वेरियस डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर। तो लो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बिटवीन यू एंड द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे, हाउ टू मैनेज कैश फ्लो इन क्राइसिस सिचुएशन। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये ना अब हमें अपने कल्चर का फाइनेंशियल रिव्यू का पार्ट बना लेना है कि मॉनिटर करना है कैश फ्लो को रेगुलरली। देखिए ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अचानक से प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, हम ना डिले करते चले जा रहे थे किसे, प्रॉब्लम को, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिले करते चले जा रहे थे, हमें सिम्टम्स तो मिल रहे थे लेकिन नहीं मॉनिटर करते कैश फ्लो को। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपका परम धर्म कर्तव्य है कि आपने ना रेगुलरली रिव्यू करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ताकि ना हमें ट्रेंड का पता चल सके, पैटर्न का पता चल सके, जो कि इंडिकेट करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तीनों की तीनों चीजें कहां पर होती हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और इनकम, फाइनेंशियल समरी के अंदर होती है। यानी कि जब आप मंथली फाइनेंशियल समरी को मॉनिटर कर रहे हो ना, तो आपको सेल का ट्रेंड पता लग रहा है, आपको जीपी रेशियो का ट्रेंड पता लग रहा है, ये नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, इनफ्लो इस महीने का कितना था, आउटफ्लो कितना है, नेट इनफ्लो पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा। आज मैं खड़ा हूं जनवरी के महीने में, पिछले 9 महीनों का क्या देख रहा हूं, कैश फ्लो, और वहां पर मुझे क्या पता लगता है कि मंथ बाय मंथ नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है क्या। सबसे पहले क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का एकमात्र तरीका, देखो आज तक जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर के लिए जो मैं बता रहा हूं अभी जिस भी स्थिति के अंदर है, मॉनिटर करना शुरू कर दो कैश फ्लो को रेगुलरली। आपने कहा ठीक है देख लिया, पहले तो मैं देखता नहीं था,
सेल परचेज देख ली, बैंक अकाउंट देख लिया, खर्चे टाइम पर निकल रहे हैं, सप्लायर को पेमेंट हो रही है, नहीं, अब आप फाइनेंशियल समरी देख रहे हो रेगुलर कैश फ्लो को मॉनिटर करने के लिए, पहला प्रॉमिस आपका, क्योंकि जो हैबिट अब डेवलप हो जाएगी वही आगे चलेगी। दूसरा देखो, अब ना आपको देखना है साइंस कौन से हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के, किस वजह से आप कह रहे हो कि ये जो है कैश फ्लो का क्राइसिस आ गया है, कि क्या आपके अकाउंट पेबल बढ़ गए हैं, उसकी अलग स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपके अनपेड बिल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन अदर बिल, प्रोफेशनल के फील बिल, मेंटेनेंस का, बिल्डिंग का और कुछ इस तरह की चीजें हैं, बिल है जो आउटस्टैंडिंग बढ़ते चले जा रहे हैं और समय पर पे नहीं कर पा रहे हैं, या अकाउंट पेबल के अंदर अब डिले डिले हो रही है पेमेंट करने के अंदर, डिले हो रही है कि चलो इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते पे करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहां पर जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उस एरिया को अब आपने सेपरेटली लिख दिया, लिख दिया क्यों, मतलब कहां से फीलिंग आ रही थी फाइनेंशियल स्ट्रेस की, दूसरा स्ट्रेस हो गया, पहला क्या था स्टेप हो गया, पहला क्या था देखो आप बात कर रहे हो हाउ टू मैनेज कैश फ्लो इन क्राइसिस सिचुएशन, अभी हम डिसिप्लिन बना रहे हैं, सबसे पहले आपने कसम खा ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड कि मैं तो अपनी कैश फ्लो को रेगुलरली मॉनिटर करूंगा, क्या है वो शीट का नाम फाइनेंशियल समरी, फिर मैं क्या देखूंगा ये फाइनेंशियल स्ट्रेस आ किस वजह से रहा है उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे, जो बड़ा तरबूज होता है ना अगर उसको पूरा का पूरा खाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको स्लाइसेस के अंदर कट करना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, किस एरिया में प्रॉब्लम है, अकाउंट पेबल में कि अनपेड बिल में कि डिलेड पेमेंट की वजह से, या हमें नजर आ रहा है कि भविष्य में ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या जितना लोन है या जिस तरह से सेल का ट्रेंड चल रहा है उस केस के अंदर ईएमआई निकलने वाली नहीं है, उन एरिया को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्या है, अब ना तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, बजट, इस मूमेंट ऑनवर्ड फ्यूचर का आप बजट बना दो, जो आज तक हो गया सो हो गया, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए जो बड़ा कदम आपने क्या उठाया, बजट बना दिया बजट कि भाई इतनी सेल होने की संभावना है और इतने मेरे इसी हेड में खर्च होने की संभावना है, इतना मेरा जीपी आएगा, इतना मेरा एनपी आने की संभावना है, और अब आप उसको एनालाइज करना शुरू कर दो कंपेयर करना है हमने कि अब जो मैंने इस हफ्ते का जो बजट बना लिया, इस महीने का जो बजट बना लिया, अब ये बजट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर उसमें वेरिएंस आ रही है ना तो राइट जगह के ऊपर आप पिन पॉइंट कर जाओगे, नहीं तो हमेशा दिमाग में ये चलता रहेगा ओहो इतने सप्लायर की पेमेंट करनी है कैसे होगा, अरे अगर एक बार आउटस्टैंडिंग हो गई है ना सप्लायर की पेमेंट हो गई है, एक बार आउटस्टैंडिंग सप्लायर की पेमेंट, तो क्या करोगे सप्लायर्स की पेमेंट को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करोगे, पहला वो सप्लायर ग्रीन कलर के अंदर जिनके साथ में रेगुलर बिजनेस चल रहा है, दूसरा वो सप्लायर जिनके साथ बिजनेस चल तो रहा है लेकिन वहां से ना बहुत ज्यादा नोक झोंक होती है, किसकी तरफ से सप्लायर की तरफ से, और बिजनेस बहुत कम कर दिया है, ये बी कैटेगरी हो गई येलो के अंदर, सी कैटेगरी सप्लायर की वो है रेड कलर के अंदर जिनको पेमेंट देनी है, बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है, वो कहता है कि पहले पिछली पेमेंट क्लियर करो तो कहीं जाके आपको माल सप्लाई करेंगे, हम तो बी कैटेगरी भी नहीं है, यानी कि आज का माल पैसे देके खरीद लो पिछले चलो बाद, ऐसा भी नहीं करता वो, सी कैटेगरी कौन सी है रेड कैटेगरी, तो तीनों के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी होगी। अब हमने देख लिया कि टोटल 5 करोड़ रुपए देने हैं, 1 करोड़ रुपए रेगुलर हैं और बाकी 4 करोड़ तो ऐसे हैं जहां पर बातचीत ही करनी पड़ेगी, तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, एक बार उठा के रखो उसको साइड पे, लाइन आइटम बना लो, नेम ऑफ दी सप्लायर कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसके साथ रिमार्क्स क्या बातचीत चल रही है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके, फिर आपको ना एक बहुत ही पेशेंस वाला, ऐसा मत करो कि आपने अपने मेन अकाउंटेंट को ही लगा दिया इस काम के ऊपर कि देखो जी उनकी पेमेंट करनी है, फोन आता है तो आप बात कर लिया करो, मेरे से बार बार बात नहीं होती, ना ऐसा नहीं करना, जब आपने रेगुलर को अलग किया बाकियों को अलग किया उसके लिए अपनी कंपनी से एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड पर्सन को आइडेंटिफाई करके ना उनसे बात करने के लिए प्रोएक्टिव कॉल करने के लिए
बात लगा दी कि भाई साहब आपकी पेमेंट हम 6 महीने के बाद कर पाएंगे। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि अभी हम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पैसे देने हैं आपके, सारे के सारे पैसे मिलेंगे, वट एवर। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन रीजनेबल लॉजिकल सही से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए सोल्यूशन करेगा, सो दैट कि अब आपको वो 1 करोड़ का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा, तो सॉरी 5 करोड़ का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा, 1 करोड़ जो पेमेंट करनी है वो दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ के लिए भी जो कलेक्शन आनी है उसमें से जो एलोकेशन आपने बजट के हिसाब से वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक की हुई है तो वो नजर आ रही है। प्रेशर कहाँ है? देखो, आउटस्टैंडिंग हो गया, क्राइसिस आ गया, तो अब ये थोड़ी है कि सारे पैसे कल सुबह ही दे देने हैं। भाई 1 हफ्ते के अंदर की प्लानिंग कर लो, अगर हमने अगले 1 वीक की प्लानिंग कर ली तो अभी तो प्रॉब्लम सिर्फ 1 वीक की है ना, और बाकी उसके अगला वीक तो अगले वीक से ही स्टार्ट होगा, तब तक भगवान कृपा करेंगे और आपका बिजनेस प्लान चल जाएगा। थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सेवंथ वीक, वीक बाय वीक करेंगे ना प्रॉब्लम को सेग्रीगेट, आगे पेमेंट करेंगे। यानी कि अगर आपने दिल्ली से अमृतसर जाना है, रात का समय है, गाड़ी जब चलेगी तो रात में गाड़ी की हेडलाइट 7 मीटर ही देखती है ना, और उससे आप पूरा अमृतसर पहुंच जाते हो, 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर दोगे दिल्ली से अमृतसर। यानी कि आपने अगला 1 हफ्ता सही तरीके से प्लान कर लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया। हमेशा इस बात से परेशान होते रहना, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। क्या बोला मैंने? चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंतन करने से क्या होगा कि आपको आइडियाज आएंगे, इस समय की क्या रिक्वायरमेंट है। आप कह रहे हो जब है ही 5 करोड़, देने हैं 15 करोड़, तो ये बीच का 10 करोड़ रुपए आएगा कहाँ से? अब उसके लिए बैकअप के प्लान बनेंगे ना, किस तरह से होगा? या तो बिजनेस एक्सपेंशन आपको प्लान देने वाला है, या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करने वाले हो, या आप टेम्पररी और लोन इंक्रीज करने वाले हो, एट द स्टेक ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। क्योंकि ये सारी बातें आपको बजट बनाएगा, तो बजट यानी कि दिल्ली से अमृतसर कैसे पहुंचेंगे, 500 किलोमीटर का मैप आपके सामने आ गया, और हेडलाइट जो है वो 1 वीक की प्लानिंग है। समझो 500 किलोमीटर का बजट है और अगले 1 वीक की हेडलाइट की लाइट है, और आप गाड़ी में बैठ के सफर पे निकल जाओगे, चिंतन करोगे, चिंता नहीं करोगे, तो सोल्यूशन और रास्ते मिलते चले जाएंगे। आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ गए। आप कह रहे हो कि बजट बनाओ, आप कह रहे हो बजट बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली चलो। यानी कि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो उनको समझ आ गया कि क्या आ जाएगा अभी, कि कैश फ्लो क्राइसिस की सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हैबिट मॉनिटर करना है कैश फ्लो को रेगुलरली। दूसरा, आपको वो एरियाज देखने हैं जिसकी वजह से कैश फ्लो है, उसको अलग 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 आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसे कि अकाउंट पेबल है, या अनपेड बिल्स है, या डिलेड पेमेंट है, या कोई आपकी लोन की रीपेमेंट में इश्यू आ रहा है। तो क्या करना है? बजट। आपने कहा यहां तक समझ आ गया, अब क्या करें? अब ना लिक्विडिटी को मॉनिटर करना है। क्या होती है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भाई अवेलेबल है कितने मेरे पास पैसे, उसको ना बिल्कुल ढंग से अलग से आइडेंटिफाई करके लिख लो। जैसे करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है। अब करंट रेशियो क्या होती है कि कितने मेरे पास डेटर्स हैं, लिखो उसको। कितनी मेरे पास इन्वेंटरी है, लिखो इसको। कितने मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसको लिखो। और यहाँ वहां कहाँ शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा दिया हुआ है, ये मेरे करंट असेट है। और देने किसको है? सैलरी राइटर्स को देने हैं, और आपने अकाउंट्स पेबल देने हैं, और सैलरी राइटर्स यानी कि और कोई आपकी सैलरी पेबल है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल है, अदर लाइबिलिटी पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं उसको पे करने हैं। उसकी रेशियो देखो क्या आ रही है, 2:1 से कम है तो मैनेज हो जाएगा, 1:1 है तो दिक्कत है। ओके, 1:1 से भी नीचे चले गए तो और दिक्कत है। क्विक रेशियो देखो कितनी आ रही है, क्विक रेशियो 1:1 है तो ठीक है, अगर 0.5:1 है तो दिक्कत वाली बात है। यानी कि मेरे पास है कितना और देने कितने हैं, क्योंकि लिक्विडिटी को मॉनिटर करके उस तरह से रिसोर्सेस को एलोकेट करना शुरू करेंगे ना। अब आपको इस मूवमेंट के ऊपर अपनी मनी को, अपने कैश को डिक्लेयर करना है अमृत। होता है ना, कुछ लोग अमृत लेके आते हैं, अमृत लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, और उसका ना बड़े ध्यान से तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये गंगा जल है, ये अमृत है, तो इसका इस्तेमाल भैया तरीके से करो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूटिलाइज करो। उस तरह से अब आपको एक सिचुएशन डिक्लेयर कर देनी है, कहां पर? लिक्विडिटी के हिसाब से, कि ये फंड एलोकेट कर दिया गया है, और अब
किस तरीके से इस मनी का राइट यूटिलाइजेशन करने वाले हो। जैसे आपने मटेरियल परचेज करना है तो 10% एडवांस दिया, बाकी उसको बोला कि 90% डिलीवरी के बाद दूंगा या 30 डेज के बाद दूंगा। ये थोड़ी कि आप खुद ही परेशान रहते हो, इतनी आउटस्टैंडिंग देनी है, चल ठीक है जब तक मैं इसको नहीं दूंगा पूरा का पूरा पैसा, मेरे को मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। सोचो सोचो, बात करो, जो फंड आपके पास अवेलेबल है कैसे उसको मैनेज और मॉनिटर कर सकते हो, कैसे करके अपनी लिक्विडिटी को मॉनिटर करते हुए। अरे ठीक है, मतलब समझ आ गया लिक्विडिटी का। अब क्या करें, अब जो कंपनी को बुरी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सही तरीके से हेल्प करेगा वो है आपका ट्रैक अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि कलेक्शन इंजन। लग गया है ना आपका पूरी तरह से कलेक्शन इंजन, किस कस्टमर से कब किस बिल के अगेंस्ट में पैसे लेने हैं, उसको व्हाट्सएप जा रही है क्या, ईमेल जा रहा है क्या, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कॉल कर रही है क्या, उसके कोई डेबिट क्रेडिट नोट वाले इश्यूज हैं वो आप टाइमली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई इश्यू है तो आपने टेक्निकल पर्सन के साथ में कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को कोरिलेट कर दिया है क्या, क्या उसके क्वालिटी के इश्यू समय पर आंसर किए जा सकते हैं, डे एंड के ऊपर मॉनिटरिंग मीटिंग हो रही है क्या, वीकली बेसिस के ऊपर कलेक्शन रिव्यू की मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो गई है क्या, पर्सनली फिजिकली विजिट करने की रिक्वायरमेंट है कस्टमर के यहाँ पे कि जूम मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है कस्टमर के यहाँ पर, या उसको अपने पास इनवाइट करने की बात आ गई थी। अगर वहां बात नहीं है तो क्या अकाउंट स्टेटमेंट आपने खुद अपने लेटर हेड के ऊपर उसको स्कैन करके मेल के थ्रू डिलीवर कर दिया है क्या, और अपनी जो आप स्ट्रेट टॉक करना चाहते हो जिससे आप बच रहे थे वो कर ली है क्या, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड एक्शन लेने हैं पूरी लिस्ट बना के कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को लगा के डेली वीकली रिव्यू करते हुए अब ना क्राइसिस सिचुएशन के अंदर बाहर निकलने में ये आपके अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जो नई सेल जा रही है, सेल के टाइम के ऊपर ही आप क्लाइंट से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो, ये देखो जी नया माल सप्लाई कर रहे हैं सर, वो पिछले की पेमेंट जरा रिलीज करो, और एकदम डिस्पैच करने से इमीडिएटली पहले एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उससे बात कर रहा है। जब तक हम ऑफिशियली लीगली टेक्निकली सही तरीके से अपने अकाउंट रिसिवेबल को मैनेज नहीं कर रहे ना, तो ये सिचुएशन वर्स से वर्सन होती चली जाएगी। कहां पर? क्राइसिस की सिचुएशन। तो जो अवेलेबल फंड है उसको अमृत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैसे आने हैं उसके लिए कलेक्शन इंजन इंस्टॉल कर दिया है। अब कह रहे ठीक है समझ आ गई, ओके डन। तो अब ना अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मॉनिटर करते रहा करो। मतलब कई बार क्या होता है क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर हम जीपी रेशो पे ध्यान ही नहीं देते, जीपी रेशो गिरती चली जा रही है। क्यों? सेल वीक बाय वीक, डे बाय डे, सेल्समैन बाय सेल्समैन, एसकेयू वाइज, एरिया वाइज, सेगमेंट वाइज, डीलर वाइज, ये सारे एनालिसिस हम भूल जाते हैं। बस एक ही होता है कि सेल करो सेल करो सेल करो सेल करो, बस किसी भी रेट पे सेल करो। पता लगा लो जीपी मार्जिन के ऊपर फ्रेश सेल होनी शुरू हो गई है, पता लगा कि हम एसकेयू वाइज मॉनिटरिंग करना बंद कर चुके हैं, प्रॉब्लम उससे ना बढ़ेगी। तो इसलिए वो है ना एमआईएस, वीकली एमआईएस, जिसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके दिखते रहते हैं कि जीपी रेशियो क्या आ रही है, एनपी रेशियो क्या आ रही है, जीपी शीट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, डेटर डेज कितने चल रहे हैं, टेल कितनी हो गई है डेटर्स की, क्राइटर्स की टेल कितनी हो गई है, इन्वेंटरी इन्वेंटरी टर्न कितनी हो गई है, इन्वेंटरी का मेरा ब्लॉकेज कितनी हो गई है, नॉन मूविंग स्लो मूविंग कितनी हो गई है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखो क्या होता है, ये जितने भी कंट्रोल लगते हैं ना आमतौर पे मैंने एज ए कैश फ्लो कोच देखा है, जहां पर क्राइसिस की सिचुएशन आती है ना, मैं कहता हूँ वो ना वरदान होता है, वरदान है कैश फ्लो की सिचुएशन। जैसे हम व्रत रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, या कई लोग अनशन करते हैं, 1 हफ्ते का, 4 दिन का, या 1 दिन का व्रत रखते हैं, अंदर की जितनी भी गंदगी है ना सारी साफ हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी क्राइसिस अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के समय पर ही तो भगवान की याद आती है, क्राइसिस के समय के ऊपर ही तो आप नाम जपते हो, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन है ना आप लगा देते हो। कौन से? हाँ, तब ध्यान आती है, ओहो मुझे
डेटर्स टेल पे ध्यान रखना चाहिए था, क्राइटर्स टेल पे ध्यान रखना चाहिए था, मैं देख ही नहीं रहा, मेरी तो MISC काम नहीं कर रही, मेरी तो फाइनेंशियल समरी काम ही नहीं कर रही, मुझे बनानी चाहिए थी, काश मैंने पहले से बनाई होती। कोई बात नहीं, ये इंडिकेशन है आपको, अगर कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहा है ना आज की डेट में, पहली बात तो ये है कि चिंता करो ही मत, छोड़ दो चिंता, चिंतन करना है इस सिचुएशन में किस तरह से पहुंचे। इमीडिएटली निकलने के लिए आगे का बजट बना लिया, बजट बना के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगा लिए MIS के अंदर, लाइन आइटम वीक बाय वीक बाय वीक, MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, की इंडिकेटर जब आपने लगा लिए ना, तो अब उसके फायदा ये होगा कि ये क्राइसिस सिचुएशन आपको ना फ्यूचर में हमेशा हेल्प करेगी और बड़े से बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। आपने सुनी है ना बहुत से बिजनेस ओनर की कहानियां, देखो जी मैंने पहला बिजनेस लगाया उसके अंदर ना बहुत शेकी हो गया था, मैं ये गलतियां करता था, उसके बाद फिर मैंने सिस्टम ड्रिवन कंपनी कर दी और मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर आज इतनी बड़ी अंपायर मैंने बना दी है। क्योंकि लाइफ जो है ना वो आपको रियल लाइफ में सिचुएशन के अंदर सिखा रही है, तो इसलिए दाग अच्छे हैं, क्राइसिस की सिचुएशन अच्छी है, कुछ समय के लिए अच्छी है, जहां पर आज तभी तो ये सेशन इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जिसने कभी पास्ट में क्राइसिस का अनुभव किया है ना उसको पता है कि मुझे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो लगाने थे और उसके बाद उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अब जो सबसे बड़ी बात ये है, आप ना आइडेंटिफाई कर लो और इवेल्युएट कर लो किसको, जो सबसे मेजर रिस्क है, सबसे मेजर रिस्क क्या होता है, सर्वाइवल का रिस्क तो नहीं आ गया है जो कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है। देखो जब इकोनॉमी में चेंजिंग होती है ना, इकोनॉमी में चेंजिंग होती है तो बिजनेस के अंदर इफेक्ट आता ही आता है। जैसे कि US की इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है, कोरोना आया था उस समय स्क्वीज हुआ, फिर लोगों ने बहुत माल एक्सपोर्ट कर दिया, मार्केट दोबारा से भर गई, कोरोना के टाइम पे खाली हो गई थी, दवा के लोगों ने खरीद लिया अगले डर के चक्कर में, और अब मार्केट फुल हुई पड़ी है यूरोप की और अमेरिका की, तो जिसके चक्कर में और माल खरीदा ही नहीं जा रहा, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, तो क्या हो गया, टेम्परेरी है, Q1 में ये पोजिशन रहेगी, Q2 में रहेगी, Q3 ऑनवर्ड क्या होगा, सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी है। तो चेंजेस इन इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करो, तो डोमेस्टिक डेवलप करना पड़ेगा, नया ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा, सर्विसेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेवल लाइट करना पड़ेगा, हैवी कॉस्ट को एग्जिट करना पड़ेगा, अपना ब्रांड बना के बाहर से मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा, हाई GP मार्जिन प्रोडक्ट अब डेवलप करने का समय आ गया है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स के थ्रू एक रेगुलर इनकम हमें जनरेट करनी होगी, स्केल डाउन करके रीइंस्टेट करना होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को आपको ट्रैवल लाइट के मॉडल के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, खोल ली दुकान आपने हाँ ऑफलाइन वाली, लेकिन आजकल तो लोग ज्यादातर ऑनलाइन ही परचेज कर रहे हैं, इंडस्ट्री का ट्रेंड ही चेंज हो गया है, तो अब आपके अपने रिटेल को कॉम्बो बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटियां प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो रिस्क आइडेंटिफाई करो ना। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कह रहे कोई नहीं सिचुएशन ठीक होगी, सिचुएशन ठीक होगी, अरे सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो गया है, हमें चेंज होना होगा, दोबारा बोलता हूँ, हमें चेंज होना होगा, इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां चेंज हो गई हैं, जियो वाले जो है वो ऑनलाइन मार्ट लेकर आ गए हैं, डीमार्ट वालों को काम करने का तरीका बदलना पड़ रहा है, तो जब इंडस्ट्री का ट्रेंड ही चेंज हो गया, हम पता नहीं कहाँ वहीं अटके पड़े हैं। नहीं, हम बहुत मेहनत करते थे बच्चों, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करो और मेहनत करो, ये करो मेहनत करो, घबराओ मत, लगे रहो खूब मेहनत करो, उसी ऑफलाइन दुकान के ऊपर ही खूब मेहनत करते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो चेंज हुए ट्रेंड के हिसाब से उसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, प्लीज एक्सेप्ट कर लो, और कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से ये सारी की सारी कहानियां हो गई हैं, कि मान लो किसी की फैक्ट्री में फायर हुई थी या किसी के पास कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, अब हो गई थी तो हो गई थी, दैट्स फाइन, अब आगे बढ़ो, सिचुएशन को चेंज करने वाली बात है, सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो कि पास्ट में किस वजह से हुआ है और फ्यूचर में मेरा बिजनेस किस कैटेगरी के ऊपर रिस्की है, उस सिचुएशन के हिसाब से ना आज की डेट में स्केल डाउन करके
स्विफ्टली बाहर निकलने का समय आ गया है, स्विफ्टली बाहर निकलने का समय आ गया है। तो मैं एक बार ना क्विकली आपको क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, रीकैप कर देता हूं। पहला, इसी समय आप ना अपने कैश फ्लो को मॉनिटर करो, आपने देखनी है कैश फ्लो की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नंबर्स, बिकॉज बिजनेस इज ए नंबर गेम। बिना नंबर देखे कैसे आप काम कर रहे हो, ऐसे ही मनी मन में कर रहे हो ना, फाइनेंशियल समरी देखो। दूसरा, वो पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करके रेड कलर में आइडेंटिफाई करके सामने लिख लो, और जितनी एक्सपेंशन लेवल के ऊपर उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो कि वो मेरे अकाउंट पेबल में बढ़ा चुका हूं, कि मैं बिलों को पे नहीं कर रहा हूं, कि मेरी डिले पेमेंट हो रही है। बजट अभी बना के उसको एनालाइज करना शुरू करो, ताकि फ्यूचर की वीक बाय वीक प्लानिंग हो जाए। लिक्विडिटी को मॉनिटर करते रहो, अमृत की तरह पैसे का इस्तेमाल करना है, मॉनिटरिंग और कंट्रोल लगा दो, और जहां से कलेक्शन आनी है कलेक्शन इंजन लगा दो। और अब जो जो आप एक्शन लेते जा रहे हो, अब उन एक्शन का फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फायदा हो रहा है तो कैसे पता लगेगा, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो इंप्रूव होने शुरू होंगे, चाहे वो जीपी रेशियो है, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, तो वो आपकी टेल है, डेटर टेल, डेटर टेल्स, इन्वेंटरी, नॉन मूविंग स्क्रैप यहाँ पर निकाल दिया, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो वीक बाय वीक इंप्रूव करना शुरू होंगे, तभी तो पता लगेगा इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है आपकी। और जो मेजर रिस्क है ना, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, उसको एक्सेप्ट कर लो और अपने बिजनेस को बुलेट प्रूफ बना लो उन रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के द्वारा, फ्यूचर की प्लानिंग के द्वारा। चाहे उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई ऑफ बिजनेस करना पड़े, न्यू ब्रांड लॉन्च करना पड़े, मार्केट को चेंज करना पड़े, चाहे स्केल डाउन करना पड़े, ट्रेवल लाइट करना पड़े, तो वहीं से निकलोगे, बड़ी डिसीजन लेनी होगी, या वो वाली प्रॉपर्टी जो भी संभाल के रखी है उसको निकालना ही होगा। उसको निकाल के एक बार डाल के अपनी जो रेगुलर मंथली ईएमआई, इतना बड़ा लाखों का इंटरेस्ट जो जा रहा है, एक बार तो खत्म करके लाइफ को रीस्टार्ट कर दो। और कोई आपका क्वेश्चन आता है ना, आपको मालूम ही है jsaonline.in, जैसे ही आप jsaonline.in पे जाते हो और अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो लॉग इन करने के बाद मिल जाता है ना आपको आस्क योर क्वेश्चन। मैंने देखा है कुछ लोगों ने क्वेश्चन ना अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए हैं, क्योंकि आपका पर्सनलाइज है ना ये वाला पोर्टल। Ask your question, कोई क्वेश्चन आए आपके दिमाग के अंदर कि भाई ask your question पे क्लिक करो, क्वेश्चन पे क्लिक करके अपनी टिकट रेज कर दिया करो। कौन करेगा टिकट रेज, आप कब करोगे, जब भी कोई क्वेरी आएगी। माई क्वेश्चन इज, बस लिख के क्वेश्चन अपना सबमिट कर दो, मैं या मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट आपको रिप्लाई करने वाले हैं। सो माई डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। ये आज का सेशन है सैटरडे का, तो ओवरऑल बताओ जी चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहा आज का सेशन, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला आपको, कुछ नया ओपन अप हुआ, व्हाट वन थॉट कम इनटू योर माइंड जब आप ये सेशन देख रहे थे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट लाइव है मेरे साथ में, तो जरा चैट बॉक्स में बताओ। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स को एक्टिवेट तो कर दूं। हाँ, ये मैंने कर दिया, चैट बॉक्स एक्टिवेटेड है। तो मेरे दोस्तों बताओ, आप सभी लाइव हो मेरे साथ में, अब देखो चैट बॉक्स चल पड़ा। तो जरा बात करते हैं। शिवम जी कह रहे हैं, सर योर फॉर्मूला डेफिनेटली विल नॉट लेट मी इन द क्राइसिस कंडीशन। एब्सोल्युटली, ये जो बताया है ना, जो क्राइसिस सिचुएशन में है वो तो निकल ही आएंगे, और जो इस क्राइसिस सिचुएशन वाले फॉर्मूला को पकड़ लेंगे, शिवम जी क्या सही इंटरप्रेट किया, वो क्राइसिस में आने ही नहीं देगा। आने ही नहीं देगा। और बताइए, व्हाट वन थॉट इज कमिंग इन योर माइंड इन द लाइव सेशन। क्योंकि क्या होता है, जब आप लाइव सेशन में होते हो ना, तो कोई पॉइंट आपके दिमाग के अंदर आता है कैश फ्लो को लेके, वो आपके न्यूरो पैटर्न के अंदर परमानेंटली स्टेशन कर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चीजें काम करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हर्षदीप अहुजा जी कह रहे हैं, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दैट आई अटेंडिंग योर 5 AM सेशन। क्या बात है। तो आप कह रहे हो कि ना बड़ा फास्ट है, बड़ी सारी चीजें ना अभी रजिस्टर ही नहीं कर पाया मैं, हर्षप्रीत अहुजा जी कह रहे हैं। ओके राइट, ठीक है। तो क्या होगा हर्षप्रीत जी, हम ना और थोड़े 1-to-1 करेंगे, कुछ आपको मैं ना कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे ना
व्हाट्सएप कर देना, तो मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो जहां कहीं आपके सवाल हैं उनको कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे उनको। डॉक्टर संजय जी कह रहे हैं, ऑलवेज न्यू पर्सपेक्टिव टू चेक अवर बिजनेस। एब्सोल्युटली संजय जी, ये ना चीज हमारे बिजनेस की, जब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको टेस्ट करते हैं ना, तो चीजें नई हमारे लिए ओपन होती हैं। ग्रेट। सुधीर सिंगल जी कह रहे हैं, शैल वी कीप ए सेपरेट अकाउंटेंट और सीए टू मेक ऑल द रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर रेगुलरली रिव्यू। सुधीर जी, आपके पास ना जो आपका जो अकाउंट हेड है, जो अकाउंट हेड है उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर को ये रिपोर्ट्स देखनी है। कौन सी? एमआईएस की रिपोर्ट देखनी है। बनाएगा कौन? एग्जिस्टिंग टीम बनाए, डेलीगेट कर रखा है उनको, उनके साइक्लिंग लिस्ट का पार्ट है, या आप उसके लिए एक अलग से एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनाकर, इंपोर्टेंट बनाना नहीं है, इंपोर्टेंट एनालाइज करना है। कौन करेगा? आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर इज दी सीनियर अकाउंटेंट, और वो सीनियर अकाउंटेंट आपके साथ में वीकली मीटिंग करता है। वो सीनियर अकाउंटेंट वीकली मीटिंग करता है, जिससे कि वो चीजें क्लियर होती हैं। गॉट इट। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार विकास जी आपके साथ में वन टू वन करते हैं, और एक बार हम वन टू वन करेंगे, सो दैट कि ये चीजें और बढ़िया से बढ़िया क्लियर होती चली जाएं। तो यहां पर अभी मैंने प्रिंसिपली आपसे डिस्कस किया कि इस क्राइसिस सिचुएशन से हम कैसे निकल रहे हैं। अब इन सबके जो टूल है ना, इन सबके जो टूल है अब मॉनिटर करना है कैश फ्लो को, इसका टूल कौन सा है? फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल स्ट्रेस का कैसे पता लग पा रहा है? इसका टूल क्या है? कलेक्शन इंजन भी है, हमारी अकाउंट पेबल की शीट है, बजट बनाना अपने आप में एक प्रक्रिया है, लिक्विडिटी एमआईएस से आएगी, कलेक्शन इंजन लगना है, और एमआईएस फ्रॉम अकाउंटेंट फाइनेंस है, और बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट दी बिजनेस रिस्क। ये कहाँ पर आ रहा है? बिजनेस मॉडल से आ रहा है। तो मैं आपको, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, उनको बताता हूँ कि जब आप जेएससी ऑनलाइन के अंदर आप जाएंगे ना, तो जेएससी ऑनलाइन के अंदर आप देखोगे इस इंडेक्स के अंदर क्या मिलने वाला है आपको, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट की हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की बजट की, तो पॉइंट नंबर सिक्स क्या है? बजटरी कंट्रोल, किस तरह से बजट बनेगा, उसकी वीडियो भी है, राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। हमने बात की कि भाई ये बिजनेस जो है इसका कोई मॉडल होना चाहिए क्या? ये देखो, बिजनेस मॉडल फाइनेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे बिजनेस के अंदर वो सब चीजें डलगी कि नहीं डलगी जो होनी चाहिए, उसका वीडियो भी है, फॉर्मेट भी है। हम बात कर रहे हैं कि जो हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने हैं, वो कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे एमआईएस फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर। कहां पर है वो? MIS from accounts and finance, ये रहा MIS from accounts and finance, MIS, what is MIS from account and finance? उसका वीडियो भी है, राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। दैट मीन टू से कि क्राइसिस की सिचुएशन आ गई या आने से पहले मुझे बताओ MIS देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? अरे बाबा, देखनी पड़ेगी ना। अकाउंट पेबल, मेरे अकाउंट पेबल, उसकी टेल क्या चल रही है? मेरे अकाउंट पेबल किसी भी हालत में 7 दिनों से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। वीक वन के अंदर 126 दिनों से मेरे अकाउंट पेबल आउटस्टैंडिंग है। ओके, पुरानी पेमेंटें करूं। अब टेल, सबसे पुरानी टेल कितनी रहेगी? 100 डेज की। चलो, कंट्रोल आना शुरू हुआ अगले हफ्ते, वेरी गुड, और कंट्रोल में आ गया। 65 डेज की रह गई, क्योंकि पुरानी या तो पेमेंट आपने क्लियर कर दी या पुराने आपने डेबिट नोट इशू कर दिए। अब वीक नंबर 4, 20 अप्रैल से 26 अप्रैल, अब टेल 6 हो गई है। होनी कितनी चाहिए? 7। अभी कितनी है? 6। यानी कि अब आप ऑन टाइम एवरी टाइम पेमेंट वाली कंडीशन के अंदर आ गए हो। कैसे पता लग रहा है? मॉनिटर करके। किसको मॉनिटर करके? एमआईएस फ्रॉम अकाउंटेंट को मॉनिटर करके। बनाएगा कौन? आप बनाओगे, बनवाओगे मतलब अपने अकाउंटेंट से। और देखेगा कौन? बिजनेस ओनर देखेगा। सोचो, जब आप अपने ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख रहे हो, कहीं जीएसटी रिफंड में पैसे तो नहीं पड़े हुए? कितने मेरे डेटर ओवरड्यू हो गए हैं? मेरी इन्वेंट्री टर्न क्या चल रही है? इन्वेंट्री टर्न 15 दिनों की होनी चाहिए, 85 दिनों की चल रही है। मोर देन 30 डेज इन्वेंट्री होनी नहीं चाहिए आपकी। 4 4 करोड़ की मोर देन 30 डेज पड़ी हुई है। तो ये है ना परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि
ताकि जो आज मैं आपको क्राइसिस सिचुएशन से निकलने की बात कर रहा हूं उसके टूल भी तो होने चाहिए। ओके राइट। तो जी एस सुनील जी कह रहे हैं करंटली वी आर नॉट मेंटेनिंग कैश फ्लो शीट, वी विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग फ्रॉम टुडे ओनली। यस 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 जी एस सुनील जी, दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर सो मच फॉर स्टार्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं 5 AM का सेशन लेके आता हूँ कि आपका कोई सवाल है पूछ लो, इम्पोर्टेंस देख लो, परस्पेक्टिव देख लो, जान लो, कर लो, समझ लो, कहीं मेरी सपोर्ट चाहिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। कैश इज द किंग, कैश है तो ऐश है, कैश को मैनेज कर दिया तो बिजनेस को हमने न्यू इंजन दे दिया। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। नेक्स्ट सैटरडे फिर आएंगे किसी एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सेशन के ऊपर कैश फ्लो के अंदर। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।